हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, और हम इसमें कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ रहे थे। कंट्रोल टेक्निक्स हमारी स्टडी में इसलिए दी गई हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में आप किसी कंपनी में जाओगे तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर कंट्रोल टेक्निक अपना के आपको 60 या 70% एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कंट्रोल्स की स्थिति क्या है। एक रीजनेबल लेवल तक आपको एश्योरेंस हो जानी चाहिए, मतलब कुछ कंट्रोल्स हैं, अगर आप उन कंट्रोल्स को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आईटी कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो एक रिफ्लेक्शन होगा पूरी की पूरी कंट्री, पूरी की पूरी आपका उस कंपनी का। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंट्री में जाते हो, सपोज़ आप अफ्रीका चले जाओ, तो वहाँ पहुँचते ही आपको पता चल जाएगा इस ये जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं हैं। आप सिंगापुर चले जाओ, जाते ही आपको पता चल जाएगा कि समथिंग गुड इज़ हैपनिंग ओवर हियर। और क्यों वो सारी चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि कंट्रोल्स अच्छे हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे और एक एक्सपीरियंस ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कुछ ही समय में ये पता लगा लेता है यहाँ पर कंट्रोल का लेवल क्या है, कंट्रोल का लेवल अच्छा है, कंट्रोल का लेवल बेकार है। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स की बात की। हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और वहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेटेड होनी चाहिए और हर एक का जो है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वगैरह सब कुछ होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज अपने आप आ जाएगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप आ जाएगी और कंट्रोल्स अपने आप डेवलप होने लगेंगे। अगर मान लिया और चीज़ें नहीं हैं, अगर एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ड्यूटी है, प्रॉपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बंदे का जॉब डिफाइंड है, जॉब रोल रूल्स डिफाइंड है और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, उसका जॉब जो मैं अथॉरिटी है वो डिफाइंड है, तो इसका मतलब है धीरे 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 वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस व्यक्ति की। हर कोई ये सोचने लगता है कि इस बंदे की ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एक्सपेक्ट करने लगता है। अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा है तो उसके ऊपर उसको रिप्लाई देना होता है या ऑर्गेनाइजेशन उसे रिप्लेस करता है। तो ऑटोमेटिकली एक समय के बाद एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल अपने आप जनरेट होने लगते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर एक ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स देख लेता है और ये देखता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स अच्छे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स हैं, तो उसको एक रिलायंस आ जाता है, उसको फील आ जाता है, उसको पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल पावरफुल है। इसी के अलावा मैनेजमेंट कंट्रोल्स के बारे में भी पढ़ा, मैनेजमेंट कंट्रोल्स का भी यही सिचुएशन है। मैनेजमेंट कंट्रोल्स बेसिकली प्लानिंग देखेगा और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को देखेगा। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अनुसार काम हो रहा है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो हो रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग में डिवाइडेड है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के जो माइलस्टोन है वो अचीव हो रहे हैं, तो इसलिए अचीव हो रहे हैं क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अगर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से हो रहा है और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के मीट आउट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इंटरनल कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स का काम ही यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को मीट आउट करना, रेगुलरली मीट आउट करना और ऑर्गेनाइजेशन को एक कंटिन्यूस एफिशिएंसी देना। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स। फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स क्या है? ये मेजर्ड टेक्निक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन को ओरिजिन से लेकर लास्ट लेवल तक ये मेजर करते हैं, इसलिए इन्हें फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक कही जाती है। तो ये कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट से के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बराबर की टेक्निक्स होती हैं। कहने का मतलब ये एग्जैक्ट फाइनेंस ऑडिट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फाइनेंस में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ऑथराइजेशंस होते हैं, बजट होते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आ गया
और उसको रखा जाता है एक पर्टिकुलर वे में रखा जाता है। अगर मान लिया सपोज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती है वहाँ पर, डॉक्यूमेंट सीरियली नंबर्ड होते हैं, इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन होता है, इस तरह से कई टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, ड्यूल कंट्रोल्स होता है, अगर एक जगह से कोई चीज़ निकल गई तो दूसरा कंट्रोल्स अवेलेबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन भी चीज़ों में, जो भी चीज़ों में हम इस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं। और फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं इंटरनल, जो इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जानने में। यानी कि एक अच्छा ऑडिटर है, अगर वो फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स को सही तरीके से पकड़ लेता है, तो उसे पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है कि नहीं है, उसे पता चल जाता है इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उसे पता चल जाता है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स, वो टेक्निक्स होती हैं या वो प्रोसीजर्स होते हैं जो सिस्टम यूज़र एक्सरसाइज करते हैं सोर्स या ट्रांजैक्शन ओरिजिन के ऊपर, यानी या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर मान लीजिए सपोज आप इनपुट कर रहे हो और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इनपुट कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट में नंबरिंग होनी चाहिए। तो ये सारे कंट्रोल्स फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, मतलब जनरली ऑटोमेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और वो बता देगी कि भाई कितने आइटम काउंट्स कितना है, रिकंसिलेशन वो आपको दे देगी, उसके बाद दे देगी अनपोस्टेड आइटम को रिफ्लेक्ट करा देगी, नॉन मैनिटरी चेंजेस को दिखा देगी। तो इन सब चीज़ों का रिकंसिलेशन जो है, रिकंसिलेशन डेटा आपके पास आ जाएगा और इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स हमारी स्टडी में दी हैं, न्यूमरस फाइनेंशियल टेक्निक्स होती हैं, कुछ हमारी स्टडी में दी हुई हैं। उनमें से जैसे सबसे पहले ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, जैसे आईटी का कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके लिए अथॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेड ऑथराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेल्स में हो, आजकल मेल्स में चलता है, लेकिन अगर हर ट्रांजैक्शन के पीछे डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब क्या होता है कि मालूम पड़ा आपका, अगर एक ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में कई लोग काम करते हैं, अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बंदे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसमें ऑथराइजेशन है कि नहीं है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में ऑथराइजेशन है कि नहीं है, किस किस का ऑथराइजेशन है, हायर मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है कि नहीं है, दोनों डिपार्टमेंटल हेड्स का ऑथराइजेशन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई आईटी का कोई आप चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें ऑथराइजेशन है कि नहीं है, सर्वर आप एक पर्टिकुलर जगह रखा हुआ है, उस सर्वर को आप रिप्लेस कर रहे हो या उसको दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो, तो उसका ऑथराइजेशन है कि नहीं है, रीजनेबल जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उससे ऑथराइजेशन है कि नहीं है। अगर ये ऑथराइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स हैं, आप एक फील आउट कर सकते हो। दूसरी बात ये बजट, बजट ये बताते हैं कि किस टाइम पर क्या मनी एक्सपेंड होगी बेसिकली, या फिर ये बताते हैं कि किस पर्टिकुलर पीरियड में या किस टाइम में क्या प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर क्या इवेंट होगा। तो बजट को हम मतलब इंडिपेंडेंटली ये नहीं मान सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल टेक्निक है, लेकिन वो आपको एक रीजनेबल रिलायबिलिटी देती है कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। और रीजनेबल रिलायबिलिटी कैसे देती है, पहले तो आपको कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल देती है, टाइम का कंट्रोल देती है। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें टाइम और बजट जो लग रहा है उसमें काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स हैं तभी वो काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है इसीलिए काम हो रहा है। तो बजट्स, ऑथराइजेशन फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स का पार्ट है। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मान लिया सपोज आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट हो जाता है तो उसमें पेड की स्टैंप लगी है, प्रोसेस की स्टैंप लगी है कि नहीं लगी है, या कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें क्या है कि होल पंच कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट में, तो ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है उसका, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक बार आपने यूज़ कर लिया तो रीयूज़ तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये छोटी सी चीज़ें हैं कि कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल हो रहा है, यानी चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है।
तो इसका मतलब कंट्रोल्स हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी एक्शन हो रहा है उसका रिटन या टाइप्ड एक्सप्लेनेशन है या मेल में एक्सप्लेनेशन है, कई बार मेल में एक्सप्लेनेशन होता है। और मेल में होता है तो क्या होता है कि उन वो मेल्स कहीं पर जाकर सारी की सारी स्टोर हो रही हैं एक साथ, एक कोई फोल्डर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है चीज़ का तो इसका मतलब ये है फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके ड्यूअल कंट्रोल्स आते हैं। ड्यूअल कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि दो साइमल्टेनियसली जो जो दो आदमी जो हैं उनको किसी पर्टिकुलर एसेट का एक्सेस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज एटीएम है, एटीएम में अगर कोई बंदा पैसे डालने जा रहा है तो उस टाइम पर दो आदमी होने चाहिए वहाँ पर। अगर मान लिया सपोज ड्यूअल कंट्रोल और ड्यूअल एक्सेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ड्यूअल एक्सेस डिफरेंट है। ड्यूअल एक्सेस मतलब दो आदमी को एक्सेस। ड्यूअल एक्सेस का मतलब यानी कि अगर मान लिया सपोज एक बैंक में अगर एक कैशियर बैठा हुआ है तो वो सपोज 24 आवर बैंकिंग है सपोज, तो उसमें क्या रात को भी बैंक में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है सपोज, तो पहले 8 घंटे की शिफ्ट एक क्लर्क करता है, दूसरा 8 घंटे की शिफ्ट अलग क्लर्क करता है, तो ड्यूअल एक्सेस होगा वहाँ पर। लेकिन ड्यूअल कंट्रोल्स ये होगा कि दो आदमी एक साथ जा रहे हैं और वो एटीएम को ओपन कर रहे हैं या बैंक के डिपॉजिटरी वॉल्ट को ओपन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली दो आदमी होना जरूरी है। हाँ, एक आदमी की अथॉरिटी होगी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा कोड होगा, अगर मान लिया कोई वहाँ पर डिपॉजिट एनवलप है उसको रिकवर करने की अथॉरिटी एक आदमी को होगी, वो करेगा उस डिपॉजिट एनवलप को। अगर मान लिया डिपॉजिटरी वॉल्ट डोर कहीं पर है, जैसे एटीएम में डिपॉजिटरी वॉल्ट होता है, तो उसमें एक कलेक्शन की अथॉरिटी एक की होगी लेकिन वहाँ पर दो आदमी होंगे, उससे दो आदमी काउंटर साइन करेंगे। तो ये ड्यूअल कंट्रोल है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देख सकते हो ये ड्यूअल कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, कहाँ कहाँ पर ड्यूअल कंट्रोल्स हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट का वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, मतलब जहाँ भी कोई चीज़ का इनपुट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट निकल रहा है तो उसका वेरिफिकेशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मॉनिटरी वेरिफिकेशन हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लिया सपोज एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी निकली, तो इतने एम्प्लॉई थे, इतने एम्प्लॉई की सैलरी बन के निकली कि नहीं निकली, तो इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन होगा। फिर दूसरी चीज़ है सेफ कीपिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आप देखोगे कि सेफ कीपिंग है कि नहीं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ऐसे वॉल्ट्स, लॉक्स, ड्रॉर्स, फाइल कैबिनेट, स्टोर रूम्स या वॉल्ट्स हैं कि नहीं है जिसमें सेफ कीपिंग होती है, सेफ कीपिंग कर रहे हो। अगर सेफ कीपिंग नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। तो सेफ कीपिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज सेफ कीपिंग, अगर मान लिया सपोज आप जाओ, आप देखो, अगर मान लिया आपके बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में या एडमिन डिपार्टमेंट में, तो जाकर उनके जो उनके ड्रॉर है उसको चेक करो, क्या उनकी ड्रॉर ओपन रहती है कि बंद होती है कि नहीं होती है। अगर बंद नहीं हो रही है, ओपन रह रही है और वो डॉक्यूमेंट सबको अवेलेबल है, तो इसका मतलब सेफ कीपिंग नहीं हो रही है। दूसरी बात, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फ्रॉड को प्रिवेंट करती है। मतलब एक फाइनेंशियल एंट्री डाल रहा है तो जनरल लेजर में जो एंट्री डाल रहा है वो आदमी, दोनों सेपरेटेड होनी चाहिए। इसके बाद सीक्वेंसली नंबर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्री प्रिंटेड सीक्वेंसली नंबर्ड होने चाहिए, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ है सुपरवाइजरी रिव्यू। सुपरवाइजरी रिव्यू होता है कि नहीं होता है। अगर मान लिया सपोज सुपरवाइज़र है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो वो रिव्यू कर रहा है कि उसकी क्वालिटी कैसी है रिव्यू की, तो कई बार क्या होता है कि ऑडिटर जज नहीं कर पाता है सुपरवाइजरी रिव्यू कि वो कैसा रिव्यू कर रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स देख कर समझ जाता है कि ये रिव्यू हुए कि नहीं हुए, क्वालिटी है कि नहीं है रिव्यू में। उसके अलावा ट्रांसमिटल डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा आपको। ये देखना पड़ेगा भाई ये डॉक्यूमेंट, अगर मान लिया कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप इंडेक्स क्रिएट करते हो, मान लिया कोई एक फाइल है या कुछ है उसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स क्रिएट करते हो, तो वो इंडेक्स ट्रांसमिटल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है अगर हम फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स को देख रहे हैं तो फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल टेक्निक्स जो है
कोई भी ट्रांजैक्शन है, मतलब बेसिकली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आप ले लो, तो उन सारे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को ट्रैकिंग कैसे हो रही है, उसमें ऑथराइजेशन है कि नहीं है, बजट्स के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स अगर रिलीज़ हो रहे हैं तो कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन्हें दोबारा ही तो यूज़ नहीं किया जा सकता है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, ड्वेल कंट्रोल है कि नहीं है, जो सेंसिटिव चीज़ है अगर कोई आदमी निकाल रहा है तो दूसरा आदमी उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है निकालने, इनपुट आउटपुट की वेरीफिकेशन होती है कि नहीं होती है, चीज़ों को सेफ कीप किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अगर मान लिया सपोज एक ड्रॉअर आपको एलोकेटेड है तो शाम को आप जाकर उस ड्रॉअर को बंद करते हो कि नहीं करते हो, उस ड्रॉअर में पर्टिकुलरली फाइनेंस एडमिन एचआर में ये होता है कि नहीं होता है, फाइनेंस रूम बंद होता है कि नहीं होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड होगा अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं क्या वो सीरियली नंबर्ड हैं, अगर वो सीरियली नंबर्ड है वेल एंड गुड, अगर वो सीरियली नंबर्ड नहीं है तो इसका मतलब यानी कि डॉक्यूमेंट के बीच में डॉक्यूमेंट डाला जाता है, सुपरवाइजरी रिव्यू ट्रांसमिटल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी, और इससे हमें एक फील आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल का कैसा लेवल है। इसके बाद हमारी स्टडी डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के बारे में कहती है, यानी कि डेटा प्रोसेसिंग के एनवायरमेंट को कंट्रोल के बारे में बात करती है। डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये कंट्रोल्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के एनवायरमेंट के एरिया में जो फिजिकल लॉजिकल जो भी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन कंट्रोल्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मान लिया कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो रही है तो उसमें क्या कंट्रोल्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग हो रही है तो उसमें क्या कंट्रोल्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं उसमें क्या कंट्रोल है, अगर एक डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या कंट्रोल्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रखा है कि नहीं रखा है, उसकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया लाइब्रेरीज हैं उन पर क्या कंट्रोल्स हैं, जैसे रेडियो है टेलीविजन है तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर FM रेडियो वहाँ पर कोई गाना पड़ता है ये बजता है तो उसको रिकॉर्ड रख लिया जाता है और एक आर्काइव्स बना ली जाती है ताकि हमें पता चले कि ये हम गाना इतनी तारीख को प्ले कर चुके हैं, तो वो मीडिया लाइब्रेरी बनती है तो उन पर क्या कंट्रोल है, एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे कंट्रोल्स हैं, यानी कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम चेंज कर रहे हैं, हमने उसे डेवलप किया उसमें कोई प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल्स होने चाहिए। डेटा सेंटर मीडिया लाइब्रेरी कंट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई डेटा सेंटर है, अगर बड़ी बड़ी कंपनी है तो उसमें डेटा सेंटर्स होते हैं, तो डेटा जैसे फेसबुक का डेटा सेंटर है तो वो डेटा सेंटर में कंट्रोल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे देगी। अगर ये कंट्रोल्स हैं तो पता चल जाएगा हमारी कंपनी में कंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी को ऑडिट करना चाह रहे हैं उस कंपनी में कंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उस कंपनी में कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और बाकी कंट्रोल्स के बारे में। बेसिकली हर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ने के बाद हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि इस कंट्रोल्स को देखकर हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखकर, मैनेजमेंट कंट्रोल्स देखकर और फाइनेंशियल कंट्रोल्स देखकर तो जनरली हमें एक आइडिया हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट कंट्रोल्स हम देखेंगे तो हमें IT के कंट्रोल्स के बारे में एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कैसा कंट्रोल है। तो उसके बाद हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ेंगे और बाकी कंट्रोल्स पढ़ेंगे, BCP कंट्रोल्स, SDLC कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स टेक्निक्स। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज इन हमारी स्टडी में ये सारी चीज़ें इसलिए दी गई हैं ताकि एक कंट्रोल हमें ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर दे दे, इंटरनल कंट्रोल की पिक्चर दे दे। एक अच्छा ऑडिटर है वो रीजनेबली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स की पावर बता देगा, आपको कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। थैंक्स।